गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने लुकास परीक्षण के बारे में सीखा था कि अगर प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो अल्कोहल, तो किस तरीके से उसमें टर्मिडिटी आती है, ठीक है ना बेटा। तो इसके बाद हम विक्टर मेयर परीक्षण सीखने जा रहे हैं कि विक्टर मेयर परीक्षण क्या होता है। तो जिसमें से पहले मैंने बताया था कि सबसे पहला जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, फॉस्फोरस प्लस आई टू। ओके बेटा, फॉस्फोरस प्लस आई टू। दूसरा क्या होता है, AgNO2 होता है बेटा, AgNO2। फिर तीसरा होता है HNO2 और चौथा होता है बेस। कोई भी बेस ले सकते हो आप, NaOH हो, KOH, कोई भी ले सकते हो। ओके बेटा, ये चार रीजेंट होते हैं जो लुकास रीजेंट कहलाते हैं, ये विक्टर मेयर रीजेंट कहलाते हैं। इनको क्या कहेंगे बेटा, विक्टर मेयर रिएजेंट, अभिकर्मक बोल सकते हैं। ओके बेटा, विक्टर मेयर अभिकर्मक भी बोल सकते हैं। तो फास्फोरस प्लस, यानी कि पहले स्टेप में जो अल्कोहल रिएक्ट करेगी फास्फोरस प्लस आई टू से, फिर AgNO2 से, फिर HNO2 से, फिर NaOH से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अल्कोहल का परीक्षण समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, तो यहाँ पे विक्टर मेयर टेस्ट बेटा, यहाँ पे विक्टर मेयर अभिकर्मक समझ में आ गए। अब आपको क्या करना है, बस स्टेप वाइज स्टेप ये अभिकर्मक को यूज करना है, ठीक है बेटा। अब देखो किस तरीके से यूज करते हैं, कि पहला जो प्राथमिक अल्कोहल होगा, जैसे मान लो ये प्राथमिक अल्कोहल है RCH2OH, ठीक है बेटा, ये प्राथमिक अल्कोहल है। ओके, अब इसमें क्या करोगे आप, पहले जो अभिकर्मक लिया था पहले स्टेप में, जो पहले नंबर पे था वो क्या था बेटा, फास्फोरस प्लस आई टू। ओके, क्यों, परीक्षण में क्या होता है कि कहीं ना कहीं कलर का इन्वॉल्वमेंट होता है, कि कलर अगर आ जाता तो आप उस कलर को पहचान के आप क्या कर सकते हो, उस अल्कोहल को अच्छे से मतलब समझ जाओगे कि अल्कोहल है कौन सी, रेड कलर आ रहा, ब्लू कलर आ रहा, रंगहीन आ रहा है, तो आपको उस तरीके से पहचानना है। तो ये क्या बनता है बेटा पहले स्टेप में, अब आई टू है फास्फोरस अल्कोहल का, क्या हो जाता है बेटा यहाँ पे आयोडाइड बन जाता है RCH2I। ओके, ये समझ में आ गया अच्छे से। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे तो AgNO2 का होगा, AgNO2 की रिएक्शन होगी, AgNO2 क्या करेगी बेटा बोलो, आई को हटा देगी और यहाँ पे रिएक्शन आ जाएगी कौन सी, RCH2NO2। ओके, ये नाइट्रो बन गया बेटा। अब नाइट्रो बनने के बाद क्या होगा बोलो, नाइट्रो बनने के बाद हम लोग अब इसमें मिलाएंगे क्या, HNO2 नाइट्रस एसिड मिलाएंगे, ठीक है। अब नाइट्रस एसिड मिलाने का एक सबसे शानदार तरीका यह है कि हमको इसका स्ट्रक्चर यूज करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे, ठीक है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो HNO2 मिलाने के पहले आप क्या करोगे कि यहाँ पे जो अल्कोहल दी थी ये वाली, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है बेटा, ये RCH2NO2 है, ठीक है ना। अब ये जो HNO2 आपने यूज किया है ये वाला, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, N डबल बॉन्ड O O H, HNO2 हो गया। अब आपको क्या करना है, बस वाटर को रिमूव कर देना यहां से, इसका H2 और इसका O लेके निकाल लेना है, ठीक है। तो ये किस इस तरीके से बनेगा बता दो मुझे, क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड NO2 पर लगा दो, ये वाला NO2 पर चला जाएगा, ये C और ये डबल बॉन्ड NOH, ठीक है ना, ये बन गया, ये कंपाउंड बन गया। अब इसमें क्या मिला दोगे बेटा, अब इसमें मिला दोगे, अब इसमें मिला दोगे क्या, NaOH। अब NaOH मिलाओगे जो कि एक बेस है, ये क्या करेगा बेटा, ये इस H H को रिमूव कर देगा
जो एक सॉल्ट बन जाएगा आर सी एन ओ टू डबल बॉन्ड एन ओ एन ए, ओके। और इस सॉल्ट का कलर होता है बेटा रेड कलर, कैसा होता है, लाल रंग का होता है। अगर लाल रंग आ रहा है तो समझ जाओ कौन सी एल्कोहल होगी बेटा, प्राइमरी एल्कोहल होगी। ठीक है, तो आपको बस स्टेप वाइज यहाँ पे यूज करना था कि पहले स्टेप में आपने क्या देखा बेटा, पहले स्टेप में कि ये जो एल्कोहल है प्राथमिक एल्कोहल पहले P प्लस आई टू से रिएक्शन करती है, ठीक है ना, P प्लस आई टू से रिएक्शन करती है, फिर AgNO2 से रिएक्शन करती है, तो ये क्या बन जाता, RCH2NO2 बन जाता। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है HNO2 का। HNO2 का दिमाग लगाने का मतलब है कि HNO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाइए आप कि उसके एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए, उससे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए, जो बचेगा उसको बस जोड़ दो आप बस, समझ गो। और उसके बाद बेस के मिला तो सॉल्ट बन जाएगा, जहां एच है वहां पे Na आ जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, उसी का कलर कैसा आ जाता है, लाल रंग का जाता है। तो लाल रंग अगर आ जा रहा है बेटा तो समझ जाओ उसमें कौन सी एल्कोहल है, उसमें प्राथमिक एल्कोहल है, ठीक है, बात समझ गए। फिर दूसरे नंबर पे आ जाओ बेटा, दूसरे नंबर पे क्या है, आपको बस दो तीन एल्कोहल देखनी है, R1 हो गई, R2 होगा, और ये हो गई द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है। तो द्वितीयक एल्कोहल में क्या होगा, बस वैसे ही स्टेप वाइज करते चले जाओ, रेड फास्फोरस, फास्फोरस प्लस आई टू सिलेक्शन करोगे क्या बनेगा बताओ, R1CHR2, OH की जगह पे आई आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे क्या होगा, AgNO2 के रिएक्शन करा जाओगे, AgNO2 के रिएक्शन करा होगा, तो यहाँ पे आई की जगह पे NO2 लग जाएगा बेटा, R1CHR2 और ये NO2 आ गया। अब इसको जो इसको अब इसको ट्रीट करोगे किसके साथ, HNO2 के साथ ट्रीट करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ बेटा, R1R2CHNO2, अब यहाँ पे HNO2। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको इसको बनाना है बेटा, देखो कैसे बनाना है, HO डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, ऐसे बनाना ना। अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया था कि O को बाहर निकाला था H2 के साथ, अब यहाँ पे OH को निकाल, क्योंकि वाटर को निकालना है आपको, तो इसका अब OH जाएगा बेटा, इसका OH जाएगा और इसका एक H जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बनेगा बताओ, R1CR2NO2 यहाँ लगा दो ऊपर ही, और ये क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे S तो है नहीं, ठीक है ना, क्या बेटा S तो है नहीं, अब ये क्या बन जाएगा, अब इसी में बेस मिला दो NaOH, तो अगर ये कैसा कलर आ जाए बेटा, ब्लू कलर का आ जाए, कैसा, रेड, हाँ ब्लू मतलब नीला रंग आ जाए अगर, तो समझ जाओ क्या होगा, उसमें कौन सी है एल्कोहल, उसमें है द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल है उसमें, ठीक है बेटा, उसमें कौन सी एल्कोहल होगी, सेकेंडरी एल्कोहल होगी। तो ये बात याद रखना आपको कि सेकेंडरी एल्कोहल कब होगी, प्राइमरी एल्कोहल कब होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब हम तृतीयक एल्कोहल देखते हैं, तृतीयक एल्कोहल में क्या होगा, देखो R C या ऐसे लिख दे रहे हैं हम, R1 C R2 R3 OH, ठीक है, ये तृतीयक एल्कोहल है बेटा। अब इसमें हम लोग क्या मिलाएंगे, रेड फास्फोरस या फास्फोरस, फास्फोरस प्लस आई टू मिलाएंगे, बस आई टू आई ओ एस के पे आई टू आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा, ठीक है ना, आई आ गया। अब आई क्या करता है बोलो, अब आई जो है,
अब इसकी रिएक्शन AgNO2 से करा दो, AgNO2 से कराओगे तो क्या बनेगा बता दो। AgNO2 से करा दोगे क्या बनेगा बेटा, AgNO2 से कराओगे तो क्या बन जाएगा, R1C R3 R2 और ये बन जाएगा NO2, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अब HNO2 की रिएक्शन जब आप कराओगे तो उसके बाद रिएक्शन नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, वाटर का रिमूवल होगा ही नहीं, यानी कि नो रिएक्शन, नो रिएक्शन होगा बेटा, नो रिएक्शन। जब नो रिएक्शन होगी तो यानी कि कलरलेस, रंगहीन आएगा, रंगहीन कलर आएगा, तो समझ जाओ उसमें कौन सी एल्कोहल है बेटा, बता दो, उसमें तृतीयक एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल है, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप लोग परीक्षण कर लिया, आपने लुकास टेस्ट भी परीक्षण किया और विक्टर में परीक्षण किया। लुकास परीक्षण में क्या होता था, जो तृतीयक एल्कोहल होती थी वो 0 to 5 सेकेंड में ही उसकी टर्बिडिटी आ जाती थी, जबकि द्वितीयक की कैसे आती थी बेटा बोलो, द्वितीयक की 5 0 to 5 मिनट में आती थी और उसकी प्राथमिक की कोई एक्टिविटी नहीं आती थी। तो आपको ये देख लेना है कि किस तरीके से परीक्षण इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको परीक्षण बोले जा सकते हैं। तो ये जो प्राथमिक एल्कोहल थी, यानी कि जिसमें मोनोहाइड्रोक्सी होता, ये एक OH ग्रुप होता था, वो आप लोगों ने खत्म कर लिया है बेटा। अब इसी के बेसिस के अकॉर्डिंग हम लोग डाई और ट्राई सीखेंगे, फिर एरोमेटिक एल्कोहल सीखेंगे, ठीक है बेटा। धीरे धीरे स्टेप वाइज पढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि ये स्टेप वैसा था जिसमें आप लोगों ने क्या किया था बेटा बोलो, ये स्टेप ऐसा था जिसमें आप लोगों ने जो है चीजें जानी थी, सीखी थी, भले आपने सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ा था, लेकिन आपने इस टॉपिक में हर एक चीज की मैकेनिज्म सीखी, हर एक चीज सीखा बेटा, और उसको एक बार रिवाइज कर डालोगे तो हर एक चीज समझ में आ जाएगी कैसे होगी, और पूरे मेरे नोट से तुम्हारा पेपर पूरा समझ में आ जाएगा कैसा बनता है पेपर, किस तरीके से होगा। तो आपको नोट्स को बहुत ही तरीके से पढ़ना है बेटा, क्योंकि क्वेश्चंस उसी से आएंगे, 100% उसी से आएंगे, और आपको बस प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। तो कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना, उनको करना आप लोग। जैसे कन्वर्जन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूँ बेटा कि यहाँ पे लिखा है CH3CH2COOH, इसको एल्कोहल बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे एल्कोहल, 3 कार्बन वाली एल्कोहल बनाना है, मतलब यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं, इससे बनाना है प्रोपेनॉल, प्रोपिल अल्कोहल बनाना है बेटा, प्रोपिल अल्कोहल बनाना है, बना लोगे प्रोपिल अल्कोहल, मतलब 1 2 3। तो यहाँ पे रीजेंट क्या होगा वो आपको यूज करना है, स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा, किस तरीके का होगा, ठीक है ना। इससे अल्कोहल बनाना है बेटा, जैसे अब यहाँ पे हमको बनाना है एसिड बनाना है, तो कैसे बनाओगे, अब इसकी रिएक्शन किससे करा दोगे, NaOH कैसा जलीय होना चाहिए, ये भी मैंने बता चुका हूँ जलीय होना चाहिए, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, CH3CH2OH बन जाएगा। अब आपको इसको ऑक्सीकरण कराना है KMnO4 की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनेगा वो आपको बताना है बेटा, ठीक है ना। थर्ड पे ये CH2CH डबल बॉन्ड CH है, इसकी हम रिएक्शन B2H6 से करा रहे हैं, ठीक है ना, B2H6 के करा रहे हैं और वाटर को से करा रहे हैं, तो ये क्या बनेगा वो आपको बताना है बेटा, ठीक है ना। चौथे नंबर पे
CH3, CH2, CH2OH है, यहाँ पे हमने 170 डिग्री, यहाँ पे H2SO4 रखा है, H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा वो, उसके बाद इसी की रिएक्शन हम आगे करा रहे हैं H2SO4 H2O की से साथ, H2O के साथ करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में H2SO4, यानी कि वाटर वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा वो आपको बताना है, ठीक है बेटा। एंड फोर्थ पे बताना है जो रिएक्शन होगी, फोर्थ पे किस तरीके से देखो, फिफ्थ पे ये एक मैं ले रहा हूँ साइक्लो एल्कोहल, ओके। अब यहाँ पे हमको यहाँ पे रेड फास्फोरस प्लस I2 की रिएक्शन करवा दे रहे हैं, तो ये क्या बनेगा बता दो, यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है। अब यहाँ बनने के बाद फिर हम क्या करा रहे हैं, AgNO2 की रिएक्शन करा रहे हैं बेटा, यहाँ क्या बनेगा, ठीक है ना। तो ये 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं, देखना है कि क्या क्या चीजें बनेंगी, ठीक है बेटा। तो ये बहुत दिन के बाद आपकी क्लास हुई है बेटा आज, तो मैं रिवाइज करने के लिए मैं तुमको बता दिया, तो एक बार आप रिवाइज कर डालोगे पूरे नोट्स, तो आपको अच्छे से पूरे डॉट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।